बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बना रही हूँ यहाँ पर दही बड़े। तो ये मेरे पास बेसन है तकरीबन हाफ कप जितना है, और ये हाफ टी स्पून मेरे पास जीरे सफ़ेद और नमक हद पे जायका, और ये एक पिंच के करीब मीठा सोडा। तो इसको ऐड कर देंगे, ये ऐड हो गए। अब इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ज़्यादा पतला नहीं करूँगी, नॉर्मल सा रखूँगी। और ये मैं आपको दिखा के पेस्ट बना के तो दिखाती हूँ। देखिए मैंने यूँ पेस्ट बना लिया इसको, और ये आप देख सकते हो, ये देखिए इतना ज़्यादा पतला नहीं है। तो इसके भी हम बड़े बना रहे हैं, लेकिन बस इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 4-5 मिनट, ज़्यादा नहीं। देखिए जनाब, मैं इसमें ये पेस्ट ऐड कर देती हूँ, ठीक है। तो बनाते हैं मज़ेदार किस्म के बड़े, तो मैं ऐड करके आपको दिखाती हूँ। देखिए जनाब, यहाँ फ्लिमोन है, और ये देखिए डिज़ाइनिंग किस्म के बड़े बना रहे हैं जी, ठीक है। ये देखिए, तो ये मैं डाल के दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखें मज़ेदार किस्म के बन रहे हैं एसएससीए किचन में दही बड़े पकौड़ियाँ के लिए, जो मर्जी के लिए, लेकिन ये चाट में डलती हैं। और आज हम बना रहे हैं बहुत सिंपल सी चाट, क्योंकि मेरा बेबी कह रहा था मिर्चों के, मैंने बनाए तो केरे मिर्चे ज़्यादा, तो लिहाजा दोबारा बना रही हूँ उसके लिए। ये देखिए मैं बना के आपको दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए जनाब, मज़ेदार किस्म की जलेबी टाइप बन चुकी है यहाँ बड़े, और मेरी मूंग की भी, जो मैंने मूंग की दाल की बनाई थी वो भी मौजूद है, दूसरी भी मौजूद है, हर तरह की मैंने आपको बताई है, वीडियो दिए। तो इनको मैं यहाँ पलट देती हूँ, जल ना जाए। ये देखिए व्यूवर्स, हमारी जो बड़े केले पकौड़ियों के लिए रेडी हो चुके हैं, आप क्रंच देख सकते हो। तो इसमें मैं इमली का पल्प डालूँगी, पानी नहीं ऐड करूँगी, ठीक है। ये थोड़ा सा बस, ये चला गया तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब के। इसके बाद में ये दही ऐड कर दूँगी, ये देखिए एक बाउल भर के है दही, तो ये ऐड कर दी मैंने, सारी ऐड कर दूँगी इसी में ही, ये नरम हो जाएंगी, ठीक है। अभी मैं प्याज ऐड कर दूँगी, झटपट बनने वाली है ये। और इसके बाद फिर मैं चने ऐड कर दूँगी, तो इसको थोड़ा मिक्स करेंगे, और थोड़ा इसको यहाँ पे मैं कवर कर दूँगी, ताकि ये जो हमारे बड़े हैं और बेसन की पकौड़ियाँ हैं ये थोड़ी हो जाए नरम। तो फिर इसमें देखिए, मैंने आपके सामने कोई मसाला ऐड नहीं किया, नमक ऐड करूँगी और थोड़ा सा चाट मसाला, और फिर इसके बाद मैं चने ऐड कर दूँगी। तो चले मिलते हैं 10 मिनट बाद। ये देखिए व्यूअर्स, ये इसको हो गए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, तो ये बिल्कुल सही हो चुके, ठीक है। ये देखिए नरम हो चुके, तो इनको यूँ हम फोल्ड कर लेंगे, और कोई चीज़ मैंने नहीं ऐड की, जस्ट आपके सामने ही मैंने इसको कवर किया था। तो इसको मिक्स करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये चनों में थोड़ा सा रायता डाला था 1 टेबलस्पून, और साथ में और रायता भी बस धनिया पुदीना हरी मिर्च थी 1 अदद, और थोड़ा सा लहसुन अदरक का बस 1/2 टीस्पून से भी कम पेस्ट था, ताकि बच्चों को पता ना चले और उनको हम खिला भी सकें ऐसी चीज़ें। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दी, क्योंकि मेरा जो बड़ा बेटा है ना, बिल्कुल मेरी तरह मिर्चें नहीं खाता, खाता है पर इतने नहीं, तो इसको हम डायरेक्टली इसके अंदर ऐड कर देंगे। देखिए बन रही है ना यमी सी क्रीमी क्रीमी सी चाट, तो ये भी मैं प्लेट से भी इसके अंदर डाल दूँगी, ऐड कर दूँगी। तो ये देखें आपके सामने, मैं इसमें चाट मसाला ऐड कर देती हूँ, नमक मैं मिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मेरे साथ एक मसला है, हमारे घर में इतनी सारी स्पून है, लेकिन मैं पता क्या करती हूँ, एक हमारे घर टेढ़ी हो चुकी है, पता नहीं बच्चों ने कैसे उसको टेढ़ी किया, हमेशा वही मेरे हाथ में आती। ये देखिए 1/2 टेबल स्पून है, लेकिन ये मैंने टी स्पून के अंदाजे से लिए, तकरीबन 1/2 टी स्पून मैंने डाला है, और मैंने कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी। तो ये मैं ऐड करके आपको दिखाती हूँ मिक्स करके। ये देखिए व्यूवर्स, हमारी मज़ेदार सी क्रीमी मज़ेदार किस्म की ज़बरदस्त किस्म की चाट रेडी हो गई, बहुत ज़बरदस्त लगी, बहुत मज़ेदार लग रही है। अच्छा, आपको एक बात बताती चलूँ कि हमारे घर में बच्चों का खाना मशहूर था, कि जैसे मैंने अभी ये चाट बनाई है बच्चों के लिए, तो कोई भी आता था कि उनके जैसे मेहमान या कोई बच्चे साथ में होते थे कि बच्चों का खाना बनाए, बच्चों का खाना दीजिएगा, क्योंकि बच्चे हमारे भी मिर्चें कम खाते हैं, तो लिहाजा हमारे घर में बच्चों का खाना अलग बनता है। अभी भी वही हाल है कि हम मिर्चें कम डालते हैं, तो बच्चों के लिए बिल्कुल सिंपल अलग सा खाना बनता है, अच्छा सा, जिससे क्रीमी क्रीमी चाट बनी है।
तो बताइएगा आपको ये हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो सब्र, मैं आपको चख के बताती हूँ कि हमारी जो मज़ेदार किस्म की चाट बनी है पहले मैं इसे गार्निशिंग कर लूँ थोड़ी सी, इसी चाट मसाले से करूँगी, पर हल्का सा। ये देखिए, इसमें इतनी ज़्यादा मिर्ची नहीं है, होममेड है, ये भी मैं आपसे शेयर करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यम्मी बनी है, क्रीमी क्रीमी चाट बनी है। दही भी मैंने घर पे ही बनाया था, इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ये मैं मेरा अकाउंट है स्नैक पे, वहाँ पे भी जाके सर्च कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और यूट्यूब पे भी मेरा पेज है, उसे भी लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर पेज पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।